हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इसीलिए ना आज सभी को मतलब कृष्ण जी का जन्मदिन का बहुत बहुत वो मतलब शुभकामनाएँ, और आज का दिन सबका अच्छे से बीते। और आज व्रत भी है, तो आज पहले ना सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े वगैरह धोए और घर वो साफ़ किया, सब कुछ हो गया, नहाना धोना सब कुछ हो गया मेरा, ये देखिए। और उसके बाद मैंने ना घर के अंदर अभी सोए हैं सब, लेकिन फिर भी मैंने साइड साइड से कर लिया, मुझे जितना करना था। तो इसी तरफ मैं अपना बाल वगैरह थोड़ा ठीक कर लूँगी, फिर क्या है ना कि फिर बाद में ये बाल है ना मोड़ के रखो ना तो वो मतलब पूरा वो हो जाते हैं, इसीलिए तो बस यहीं पे मैं अपना कर ले रही हूँ फटाफट। और उसके बाद कपड़े वगैरह तो मेरा हो ही गया है। और कृष्ण जन्माष्टमी ना मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है आज है या कोई कल है, तो बहुत मतलब इधर उधर फ़ोन कर किया मैंने, पूछा तब जाके पता चला कि मतलब आज ही है, मतलब कि यही बुधवार को, और बृहस्पतिवार को भी है। लेकिन कुछ लोग मतलब होता ना कि आधा जन ऐसे, तो हर चीज़ ही ऐसे ही हो गया अभी त्यौहार का कि दो दिन का मतलब पड़ जाते हैं। तो मैं तो अष्टमी ही करती आई हूँ शुरू से, और नवमी वाला नहीं करती हूँ। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे ना ये दूध था, तो दूध आज मैंने बहुत कम बनवाया है, छोटा वाला पैकेट, तो इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। और खाना वगैरह मेरा बन चुका है, क्योंकि खाना वाना बना के ना मतलब और उस बाद में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब काम पहले ही निपटा दिए। और यहाँ पे ना चाय बनाने के लिए मतलब रख दिया है, दूध गर्म कर लिया है, और अरे थोड़ा सा मतलब बाल अभी गिल्ले हैं मेरे, इसीलिए थोड़ा सा कैसा लग रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना पूरा बाल भीग जा रहा है, तीन दिन से लगातार ही मैं भीग जा रही हूँ। और यहाँ पे ना ये मतलब चाय रेडी है और चिप्स भी रेडी है, और थोड़ा सा ये बादाम बना ये फ्राई कर लिया मैंने, और आइए चाय के साथ मतलब अभी हो जाएगा हमारा, तो ये हम लोग का अभी मतलब खा लेंगे ये सब। और मैं सभी को चाय वगैरह दे दूँगी, और ये चिप्स है मेरा, और बस उसके बाद अभी मैं फिर सीधे ना खाना वाना सबको खिला दिया था मैंने, और सब कुछ होने के बाद फिर थोड़ा सा मैं लेट गई थी, क्योंकि उपवास में ना थोड़ा सा ना लेटो ना तो सर में दर्द होने लग जाता है, तो बस इसीलिए फिर। और अभी शाम का टाइम उठी थी, तो शाम का टाइम में ना मेरा तो जैसे देखिए ये सब मैंने पोछ ओछ दिया था, गैस वगैरह सब कुछ धो दिया था, उसके बाद यहाँ पे ना ये प्रसाद बना रहा है, क्योंकि मेरा ना दो दिन पहले ही लेडीज प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए, तो बस यहाँ पे मैं इसे ही प्रसाद बनवा लूँगी। तो ये थोड़ा बहुत कर लेता है, तो यहाँ पे मतलब ये धनिया का जो पाउडर होता है ना उसी का मतलब प्रसाद बना रहा है, तो ये हो गया है, इसमें सब कुछ कर दिया था उसने। और उसके बाद ये फल वगैरह धो के फिर ये घर में मैंने रखवा दिया कि घर को अच्छे से पूछ दिया, और पूजा मुझे यहीं करना है थोड़े से जगह में ही, फिर यहीं पे सब सोएंगे, सब कुछ यहीं होगा, फिर झूला वूला भी निकलवा लेती हूँ मैं, क्योंकि रात हो जाएगा ना। तो और ये प्रसाद वगैरह हो गया था, फिर ये झूला वगैरह निकाल के यहाँ पे मैंने रखवा दिया। और उसके बाद ये भी आ गए, मतलब ये मतलब कुछ वैसे मैं रहती ना तो मैं बहुत सारे आइटम बना लेती हूँ तीन चार तरह के, लेकिन मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो मैंने बाज़ार से ही सारी मिठाइयाँ मंगवाई है। और यहाँ पे ना झूला मैंने खिलौना वगैरह जो हर बार जितने पर मेरे पास खिलौने हैं ना मिट्टी के, जैसे जो हर बार मैं सजाती हूँ, तो इस बार कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने खाली इन लोगों से कहा कि झूला लटका देने के लिए बस, और यहीं पे इसी में लाइट वगैरह लगा लेंगे। और ये देखिए अचानक से फिर बारिश भी शुरू हो गई, और सुबह से बंद था लेकिन अचानक से अभी फिर से शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद ये लोग झूला वगैरह लगा रहे हैं, बाहर जोरों की बारिश हो गई थी, अभी और भी सामान लेने जाना था इनको, लेकिन बारिश हो रही थी तो मैंने बोला कि जब तक बारिश हो रही है तब तक यहाँ का काम निपटा लेते हैं, तो बस ये इन्हीं लोगों को करना है, तो बस मैं क्या करूँ। फिर ये यहाँ पे ना भोग लगा दे रहा है, क्योंकि फिर बाद में तो जो अपने खाएगा ये लाके, तो बस बाहर का ही चीज़ भोग लगाएंगे। फिर ये केक लेके आए थे, इसको ना मिठाई के दुकान में गए थे तो वहाँ पे इन्होंने देखा और ये ऑर्डर कर दिए, तो बस ये ऑर्डर से ही बनता है, तो ये फिर बोला शाम को मिल जाएगा, तो बस ये शाम को लेके आए हैं कि केक मंगवाना चाहती थी, लेकिन ये मिल्क केक वाला जो केक होता है ना, तो ये और भी अच्छा लगा था। फिर इस पे नाम और लिखाना ना ये भूल गए, बोला अगर पहले भूल मतलब हर बार
याद रहता है, कभी नहीं रहता है, तो चलिए कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब कर लेती लोजेंस वगैरह मंगा के, लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर यहाँ पे ना ये मैंने अपना फलाहार का जो होता है ना सब्जी, तो वही मैंने आलू की बना ली है, और प्रसाद बना के जब वो हट गया था उसके बाद मैं अपना काम पे लग गई। और ये फलाहार का जो पूड़ी होता है ना फाफर का, ये वही है, तो ये व्रत वगैरह में खा सकते हैं। तो बस मैंने लिए अपने लिए यही बनाया आलू की सब्ज़ी, और ये वाला हर बार ऐसे ही बना लेती हूँ। और उसके बाद बनाने के बाद मैंने रख दिया था अपना, और फिर इन लोगों का सब्जी मैंने सुबह पकड़ लिया था, और अभी पूड़ियाँ सेक दे रही हूँ ताकि ये लोग खाना खा ले फटाफट से, क्योंकि फिर है ना मतलब और भी घर को मैं पोछा लगा दूँगी, फिर पूजा वगैरह का टाइम हो जाएगा। पूजा में अभी बहुत टाइम है, अभी 9:30 जब खा रहे थे ना तो 9:30 बज रहे थे, फिर उसके बाद काम ख़त्म होते थे 10 बज गए थे, फिर उसके बाद सब लेट गए थे 1 घंटा, फिर 11:15 बजे अभी उठे हैं सब कोई। तो मैं भी कपड़ा वगैरह चेंज कर ली थी मैंने भी, और उसके बाद मैं साइड में बैठ के बताती जा रही हूँ ये लोग को, जैसे जैसे वैसे वैसे ये लोग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना दही दूध और मेवा ये सब है ना, ये गंगा जल चीनी वगैरह सब कुछ से अच्छे से इन लोगों ने अभी सेक कर दिया है। तो जैसे जितना कर पा रहे हैं ये लोग कर दे रहे हैं। तो बस इनका लड्डू गोपाल का अभिषेक हो रहा है, दोनों बाप बेटे कर रहे हैं अपना बैठ के। तो बस इन मतलब बड़ा वाला बेटा ना वो काम से आया था तो थोड़ा थक गया था, तो बोला वो 1 घंटा अभी सो लेगा फिर आएगा तब पूजा में शामिल होगा। तब तक मैंने कहा कि ठीक है, जब तक ये लोग तैयारी कर रहे हैं तब तक फिर वो उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे कपड़े गहने जो भी मैं लेके आई थी ना, तो बस ये लोग यहाँ पे लड्डू गोपाल को अच्छे से सजा दिए हैं। और बहुत ज़्यादा मेरा जो कान्हा जी है ना बहुत ज़्यादा छोटे से हैं, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, कितना भी कैमरा पास में लाओ ना नहीं दिखते, बहुत मतलब छोटे से। तो झूला में मैंने कहा कि बेड वगैरह मैं लाई थी खरीद के एक दिन, मतलब सोमवार को लाई थी, और मंगलवार बुधवार को जन्माष्टमी का वो दिन पड़ा, फिर दही हांडी भी लाना भूल गए थे ये। तो मेरे पास पीतल का जो हांडी है ना उसी में मैंने ये माखन और मिश्री वगैरह करवा दिया था, और सब कुछ जो भी प्रसाद वगैरह था ना सब कुछ सेट ये लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद अभी आरती वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि पूजा करने का ना पूरा टाइम हो गया, और उसके बाद हम लोग आरती गा दे रहे हैं साइड में, और ये लोग अपना पूजा कर ले रहे हैं। सभी सब लोग मतलब आ गए थे पूजा में शामिल, जिसको होना था वो लोग, बहू लगेंगी जिठानी के जो होती है ना बहू लोग ही हैं ये लोग दोनों, तो ये लोग आ गई थी अचानक से, बस पूजा शुरू होने में 5 मिनट बाकी थी तभी ये लोग आए। और तब तक हम लोग अपना तैयारी कर लिए, फिर आरती हो रहा है, आप लोग भी आ जाइए, कृष्ण बोलो कृष्ण गिरधर गोपाल की जय। और यहाँ पे अच्छे से पूजा वगैरह आरती सब कर ले, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैंने दूर से ही प्रणाम हाथ जोड़ के कर लिया है भगवान जी का, और बाकी सबसे मैंने आरती करवा दिया है। और ये थाली और बेलन बजा रहे हैं, क्योंकि जब जन्म होता है ना तो मतलब किया जाता है लड़की, तो बस वैसे ही नियम कर दे रही हूँ। फिर यहाँ पे अभी ये लोग केक कटवा रहे हैं भगवान जी से, तो ये देखिए कान्हा जी के पास में लाके ना अभी कटवा रहे हैं केक। तो इनको अभी जैसे इनका हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो बस उसी तरह का मतलब कर दिया मैंने, तो वही हैप्पी बर्थडे हो गया इनका। तो चलिए